आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 4 साल पहले बनी सोसाइटी को जर्जर हालत को देखते हुए यहां रहने वाले तमाम निवासियों को 15 दिन के भीतर इस सोसाइटी को खाली कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट होने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल अक्टूबर 2021 को दिल्ली IIT की टीम ने यहां का मुआयना किया था और जांच के बाद पाया कि सोसाइटी के सभी टावर जर्जर होते हुए जा रहे हैं या हो चुके हैं, लिहाजा यहां के निवासियों को 1 महीने के भीतर यहां से शिफ्ट किया जाए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा यहां सामने आ सकता है। सर, सेक्टर 37 सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई है, क्या है? सेक्टर 37D में जो NBCC के द्वारा NBCC ग्रीन व्यू नाम की सोसाइटी बनाई गई है, उसमें टोटल 40 ओड रेजिडेंट्स हैं जो हाई स्टोरी फ्लैट्स में रह रहे हैं और 100 के करीब EWS फ्लैट्स के लोग हैं। एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई थी जो कि कंडक्ट कराई गई थी, बिकॉज जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी उसमें काफ़ी अनोमलीज आने लग गई थी, दरारें आने लग गई थी। तो IIT दिल्ली की रिपोर्ट थी अक्टूबर 2021 की, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्स को अनसेफ बताया और ये कहा कि विद इन 2 मंथ्स रेजिडेंट्स को यहाँ से शिफ्ट कर लिया जाए, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। उस सिलसिले में हमने कल जो बिल्डर हैं, जो NBCC है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU है, उनको और रेजिडेंट्स को बिठा के एक मीटिंग की थी और उसमें हमने एक जो बीच का रास्ता वो ये निकला कि 1 मार्च तक रेजिडेंट सारे फ्लैट्स खाली कर देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर अभी सेफ नहीं है, और जो जहाँ भी रेंट पर रहने के लिए जाएंगे तो सारे जो रेंट है वो NBCC बियर करेगा, जो ट्रांजिशन चार्जेस हैं, जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं सामान वगैरह शिफ्ट करने का, वो भी NBCC देगा और 1 महीने के अंदर अंदर NBCC इंटरेस्ट के साथ पूरी अमाउंट रिफंड करेगा फ्लैट होल्डर्स को, ताकि वो अपना कहीं और सेटल हो सके, और उसके बाद NBCC जो भी रिपेयर वर्क्स हैं या डिमोलिशन करके दोबारा से बिल्डिंग बनाना, वो अपना काम आगे टेकअप करेगा। सर, चिंता के बाद 30 ऐसे बिल्डर हैं जिनकी कार्यशैली कटघरे में, क्या कहेंगे आप? सभी जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हमने DCP को डायरेक्शंस दी हैं कि उन सब की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं, ताकि कहीं भी इस तरह की दुर्घटना जो है वो दोबारा से ना दोहराई जाए, और पूरी कोशिश रहेगी कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी रेगुलर बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे चेक होती रहे, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। CM साहब ने भी कहा था कि जितनी भी ऐसी बिल्डिंग है उनका खाका तैयार करके 2 महीने में रिपोर्ट दें, तो कितने की कार्रवाई? वर्कआउट जो है अभी चल रहा है, IIT दिल्ली को लिख दिया गया है, और भी जो कि क्योंकि ये बहुत सारी संख्या में इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी तो और भी संस्थान ड्रॉप इन किए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि विद इन 2 मंथ्स हम सारी की सारी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा दें। तो वहीं यहाँ के रहने वाले निवासियों की माने तो जिला प्रशासन का ये आदेश उनकी बड़ी परेशानी की वजह बनता जा रहा है। अब 15 दिनों में वो कैसे और कहाँ किसी नए आशियाने को तलाश करे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, समझ नहीं आ रहा है। बच्चों के पेपर है तो कोई बुजुर्ग है, कोई महिला गर्भवती है, किसी का बेटा विदेश में है, किसी का परिवार कोरोना को दूसरी लहर में बर्बाद हो गया है, ऐसी तमाम परेशानियाँ ना जिला प्रशासन को दिखाई दे रही है और ना सुनाई। लोगों को बुलाएंगे, 26 फरवरी की ये कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, सेमिनार रखा जा रहा है। नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो जो है एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डिस्कस करने के लिए, लोग अपनी समस्या रखेंगे, लेकिन जहाँ तक NBCC ग्रीन व्यू की बात है तो हम ये ऑलरेडी 4 साल पहले से जो है, चाहे DTCP की बात करें, चाहे MCG की बात करें या बिल्डर की बात करें, हम मिनिस्ट्री में भी हमने कंप्लेन की हुई है, तो हर जगह हमने ये मुद्दा उठाया हुआ है। तो इट विल बी बेटर If they can take the cognizance of this society. FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है बिल्डर के खिलाफ? आप DC साहब कह रहे हैं कि आपको पैसा वापस दिलाया जाएगा सिर्फ। देखिए, हम तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आप हमें वैकेट करने के लिए इमीडिएट ऑर्डर दे रहे हो कि 15 डेज में आप वैकेट करो, उसी समय हमने ये बोला था कि आप इनके अगेंस्ट FIR कीजिए, बिल्डर रिस्पॉन्सिबल है। जो आज हम सड़क पर आ गए हैं वो सारी जो कमियाँ हैं बिल्डर के कारण आज हम जो है बाहर इधर उधर जो है पड़े हुए हैं और ना तो कोई डिसीजन ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि बिल्डिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमारी जो डिमांड है, जो हमने आपको अक्टूबर में लेटर दिया था, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेकर जो हमें रिफंड कर देना चाहिए था विद ऑल कंपोनेंट्स, सो दैट वी कैन टेक अनदर अकोमोडेशन। नोटे है और मैं इस सोसाइटी में C1406 में रह रहा हूँ। ये साइंटिस्ट है? मैं DRDO से रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ और मेरी उम्र 64 साल है और मैंने अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इस फ्लैट में लगा दी है। मेरा सिर्फ पेंशन से अपनी रोटी रोजी खाता हूँ। आज मुझे ये ऑर्डर जो है, म्यूनिसिपल कमिश्नर का ऑर्डर है, ये खाली करने के लिए बोला गया है। मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, मैं
कहाँ जाऊँ, मैं रास्ते पे हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं कोई घर ले सकता हूँ। अगर इनको घर खाली कराना था तो इन्होंने पहले जो हमारे से जो मूल धन प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उसके ऊपर 15%, 2010 से हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट, उसके बाद उसके ऊपर कंपोनेंट, उसके कंपनसेशन, उसके बाद हमने जो इंटीरियर के ऊपर खर्चा किया है वो हमको दिया है, हमने रजिस्ट्री के ऊपर 5-5 लाख रुपए लगाया है, सब हमारा पैसा फंसा हुआ है। और अगर हमको खाली कर देंगे तो हम तो रोड पे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी डोंट हैव मनी, हम तो सिर्फ खाने पीने हमको जो पेंशन मिलती है उसमें सिर्फ खाना पीना चलता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं मकान को ढूंढने में, कहाँ पे जाएंगे, तो कोई मदद नहीं कर रहे हैं सर। ओनर से हटा के उन्होंने, मेरे पास कोई मेल नहीं आया है, कोई मेरे को कोई किसी ने फोन नहीं किया है, ये सब बकवास है। और अगर इनको मदद करना है तो इनका यहाँ पे पूरा साइट में ऑफिस है, गिनती के यहाँ 40 लोग रह रहे हैं, उनको अगर रोज आधा आधा घंटा दे तो उनको उनके पूरे क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है वो सुने, फिर कहाँ उनको शिफ्ट करना है। और 20,000 रुपए में गुरुवार में कहाँ ये लोग जो 20,000 रुपए ऑफर कर रहे हैं, मैं जिस एकोमोडेशन में रह रहा हूँ, जितनी मेरी एकोमोडेशन है, इतनी एकोमोडेशन में जो मुझे 40,000 और 50,000 में भी नहीं मिलेगी बाहर गुरुगांव में, मैं उस इस फैसिलिटी का आदि हो चुका हूँ, तो मुझे ये 20,000 रुपए में क्या, मेरा क्या होने वाला है सर। अगर इनको देना है तो आप पूरा पैसा दे दीजिए। हाँ, यहाँ पहले यहाँ से रेंट पे जाने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद 6 महीने सिर्फ 6 महीने का रेंट दे रहे हैं और वो भी 20,000 रुपए, उसके बाद 6 महीने के बाद क्या उसका फीचर, उसके बाद का क्या फीचर है कोई पता नहीं हमें, तो या तो हमको पूरा पैसा मूलधन के साथ इंटरेस्ट के साथ कंपनी से दे दे, हम कुछ दूसरा छोटे उससे, अब हमको वो जो उस पैसे में जो हमने ये फ्लैट लिया उसका आधा फ्लैट भी हमको अभी गुड़गांव में नहीं मिलेगा, तो ये अब हमको रेंट, अब ये हमारी उम्र है, हम हर 6 महीने में शिफ्ट करने लायक हमारी उम्र नहीं है और हमारी फैमिली की बहुत लाइबिलिटी है। हमको MCG के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का ऑर्डर है उससे हम बहुत आहत है, इससे बेहतर ये होता है कि पहले पूरा कंप्लीट इन्होंने रिफंड प्रोसेस इनसे पैसा अपने जो ओनर्स को दे देते, उसके बाद हमको 15 दिन का टाइम देते तो हम जा सकते थे। ठीक है सर, हमारे पास सर मैंने तो वहीं NBCC ग्रीन व्यू सोसाइटी के निवासियों की माने तो जिला प्रशासन ये जरूर कहने में लगा है कि आपका पैसा विद इंटरेस्ट आपको बिल्डर से दिलाया जाएगा, लेकिन कितने वक्त में ये पैसा इन्हें मुहैया होगा या दिया जाएगा इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा रहा है। कुछ निवासियों की माने तो 80 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आज 800 करोड़ का हो चला है, ऐसे में बिल्डर अपनी जिम्मेदारी से भागने में लगा है और जिला प्रशासन उसके खिलाफ कार्यवाही ना कर उसका सहयोग कर साफ संकेत देने की कोशिशों में लगा हुआ है कि कैसी पूरी सिस्टम बिल्डरों को पनाह देने में लगा है। इसमें हुई है उसकी 3 माइनर लड़कियां हैं वो यहाँ पढ़ रही हैं, उन सबका मुझे पूरा इंतजाम करा और मेरी उम्र सिर्फ 80 बरस है, ज़्यादा नहीं है। मैं पूछता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 15 रोज़ का टाइम और मुझे कह दिया है 1 तारीख को अगर जो तुम नहीं गए उसमें लिखा है तो पुलिस कांस्टेबल आके मुझे मारेगा। इज इट द बिहेवियर? और उस बिल्डिंग के लिए जो नहीं करने वाली है मैं लिख के रखता हूँ, मैंने DM के सामने कहा था ये बिल्डिंग अभी 5 से 6 साल तो इसी कंडीशन में चलेगी अगर जो आप नहीं बनाएंगे। इट इज ए करोजन, करोजन से 80 साल की पुरानी बिल्डिंग है, ठीक हुई है, ब्रिज ठीक हुए हैं, लिटरेचर है, लेकिन इनको कुछ नहीं सूझा, इनके IIT प्रोफेसर को कुछ नहीं सूझा, दे आर गिविंग वाइल्ड, वहाँ का देख कर कहते हैं ये सब ऐसा ही है। सारी बिल्डिंग आप चलिए मेरे साथ मेरे फ्लैट के अंदर, मैं 3-4 फ्लैट और दिखाऊंगा, देखिए कहाँ क्या क्या डिस्टेंसेज आ रही है अंदर, कुछ नहीं आ रही, फर्स्ट क्लास फ्लैट है, नहीं निकल जाओ तो, क्योंकि सेंटर में आ गई है सुनामी। वॉट ए लॉजिक, वहाँ क्यों नहीं तुम पूरा खाली करा लिया है? तुम हमारे पीछे पड़ गए क्योंकि तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल एज है कुछ, देयर समथिंग रॉन्ग विद NBCC। ठीक है सर, अब तक लिए बस इतना ही, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें।